नमस्कार, जय जोहार, संगवारी हो, छत्तीसगढ़ तक मां जम्मू झन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग पूजा शर्मा, मोर संग है मोर सहयोगी अक्षय दुबे साथी। लोकसभा चुनाव ला लेके हमारे खास कार्यक्रम चुनाई चर्चा में आज बात करबो और लोकसभा सीट के बारे में जिन ए बखत काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गए है और एकर सेती बने हुए है, काबर की यहाँ पर एक और जहाँ जिसे हमन पहली भी आप मल्ला बताता था ना, एक बार फिर आप मल्ला सूचना देवा देता हूं कि यहाँ पर दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मन के प्रतिष्ठा जो है दाव में लगे हुए है। रमन सिंह के गढ़ में उतरे है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लगातार ग्रामीण मल्ला साधे बर एक से बढ़कर एक को प्रयास करते है। कल यहाँ प्रियंका गांधी के सभा घलो हुई जेमा प्रियंका गांधी घलो बीजेपी ऊपर जमकर बरसी से किसान मल्ला साधे की कोशिश करत हुए, एक बार जहाँ वहाँ फिर से कर्ज माफी के सूरता किसान मल्ला देवई से, ता वही महिला मल्ला घलो महंगाई के हवाला देकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जो महंगाई है ओला लेके उखर मल्ला साधे की कोशिश करी से। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो कांग्रेस एदारी राजनांदगांव में एड़ी चोटी के जोर लगावा थे भूपेश बघेल ला जिताए बर, और भूपेश बघेल भी ग्रामीण मल्ला साधे बर अपन चित परिचित अंदाज में नजर आते, लेकिन अतका आसान नहीं है कांग्रेस पर ए डगर। काबर काबर की एक और जहां भूपेश काका हा भले किसान मल्ला महिला मल्ला साधे के अपन ओर ले पूरा प्रयास करत जी, लेकिन जो है खैरागढ़ के रानी हा ओखर मुसीबत ला बढ़ा दे। कैसे बढ़ा दे है? देवव्रत सिंह आप जम्मू झन जाना था, वो खैरागढ़ के राजा रही से दिवंगत हो चुके हैं। अब ओखर पत्नी जो है वहाँ कल एक वीडियो जारी करी सोशल मीडिया में जेमा वहाँ भूपेश बघेल ऊपर गंभीर आरोप लगात नजर आते। का आरोप है और ये आरोप से कैसे भूपेश बघेल के टेंशन बढ़ सकते हैं, एकर बारे में बताई मोर सहयोगी अक्षय है। तो अक्षय, जैसे कि अब देखो चुनाव पर तीन दिन बच गए हैं अभी दूसरा चरण के चुनाव पर, और भूपेश बघेल लगातार जनता के बीच जाते, फिर ए बीच आए राज परिवार के बहुरानी के वीडियो, हाँ कैसे भूपेश बघेल के टेंशन बढ़ा सकते हैं, एकर बारे में थोड़ा सा दर्शक मन का बताओ। देखो जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत अगन आरोप लगते हैं, बहुत सारा बात निकल के सामने आते हैं। बीच में देवव्रत सिंह बहुत पुराना जुन्ना कांग्रेस आदमी के नाम है, भले बाद में वहाँ जो ही कांग्रेस में शामिल हो गए रही, और जो ही कांग्रेस शामिल होए के बाद फिर ओला अहू पार्टी ने निकाल दिए गए, लेकिन अब जब चुनाव आते तब उन बहुत जन जैसन फायदा मिल जाए जिन ढहल फायदा मिल जाए वो चीज़ देखे पर मिलते हैं, तो उसने कांग्रेस जहले देवव्रत सिंह के नाम में वोट मांगे गए हैं ऐसा आरोप लगाए गए हैं ओखर पत्नी के तरफ ले। ओखर पत्नी के कहना है कि जो दिवंगत देवव्रत सिंह है ओखर नाम के गलत इस्तेमाल करे गए हैं, जब वह कांग्रेस पार्टी में नहीं रही है तो काबर ओखर नाम के इस्तेमाल करे जाते, ये बात ओखर जिन पत्नी विभा सिंह है तेने कहा थे, और संगे संगे वो बात कहा थे कि जिन पद्मा सिंह ओखर जन पूर्व पत्नी है ओखर बारे में ही उला लेके के ओखर पत्नी के एमन जनता मतलब बता थे, जबकि ओखर पत्नी नो है, और ओखर संगे संग अपन राजमहल में पत्थर बरसाए के घलाव आरोप लगाए है। हालांकि जम्मू जन आरोप जन बहुत ही गंभीर आरोप है, और एक पुष्टि हम एखन वाले के नहीं करें, काबर एक जन दूसरा पक्ष है भूपेश बघेल खुद ओखर डाले एमा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आए, एमा कोई अभी तक बयान नहीं दे है, जे नहीं बात गोट बात चलत है तेन एक तरफा है, यह सिर्फ विवाह सिंह डहर ले लगाए जाते, लेकिन जब चुनाव होते तो एमा जनता उतना ज़्यादा नहीं सोचा है कि वह एक तरफा है कि दूसरा के पक्ष के प्रतिक्रिया हाँ। आईस के नहीं आईस, एमा सिर्फ वही होते कि वो घाटा हो सकत है का बयान दे हाँ। तब हालांकि उतना दिन नहीं है, जनता अपन मन बना लेते दो चार दिन के भीतर बहुत ज़्यादा एक प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन दो चार वोट भी अगर कम हुआ थे ऐसा आरोप ले तो वो टेंशन के बात तो आए तो कहता हर टेंशन याद तो है जरूर, लेकिन एक इला कैसे वह सही करी वो देखे के बात है, और मैं जिन कहत रहे हूँ कि कैसे नाम के इस्तेमाल करे जाते अलग अलग आदमी ढल ले, जैसे विभा सिंह के कहना है कि देवव्रत के नाम के इस्तेमाल तब करेगी जब वह कांग्रेस में नहीं। लेकिन मैं बता दूँ कि वही छत्तीसगढ़ है जी हाँ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करे रही, कैसे करे रही, ओखर जन भतीजी करुणा शुक्ला ओह जब चुनाव लड़ी तो पूरा घूम घूम के जिन अटल बिहारी वाजपेयी के 80+ रही तेला जनता मल्ला दिखाया गई बताया गई कि ओ भाजपा नो है, वो जिन जुन्ना वाला भाजपा अटल वाले भाजपा नो है, यह अब मोदी के भाजपा है, एमें बहुत अंतर है, और करुणा शुक्ला ला टिकट घलों मिले रही, भले चुनाव में वह हार गई, लेकिन जो नाम के इस्तेमाल करना है
वो चीज है, चाहे वो कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, वो दोनों ढंग ले दिखते। अब हालांकि एला आप मन नैतिक तौर पर सही बोली हो गलत बोली हो वह अलग चीज है, लेकिन चुनाव के दौरान राजनीति में जिन मानसिकता बनते नेता मन के वही मानसिकता होते कि लव और वार में सब कुछ जायज है। देखत रहो छत्तीसगढ़ का।